नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एक नए टेक्निकल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जी एंटरटेन की, लेकिन उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई सारी बातें आपको फ्री में मिलती रहे और आपको सीखना मिलता रहे इस वीडियो के थ्रू। तो आज हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के। जी एंटरटेनमेंट में एक दिन बड़ी तेज़ी आई, बड़ी तेज़ी से मेरा मतलब ये है करीबन 341 से लगाकर 358 तक की, यानी कि 15 से 20 पॉइंट की तेज़ी आई, और अब लगातार 3 दिन से उसी में ये घूम रहा है। 3 दिन हालांकि कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है कि 50 एक्सपोनेंशियल मून एवरेज, यानी कि 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मून एवरेज यहाँ पर आता है, जो कि है 364 के आसपास, और ये लगातार स्ट्रेस ले रहा है या रेजिस्टेंस झेल रहा है। कहाँ से? यहाँ से 50 EMA से, यानी कि 1, 2, 3, 4 क्लोजिंग हो गई है। और एक अच्छी चीज़ इसमें मुझे ये दिखाई दे रही है कि RSI में पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखाया, जैसे ही यहाँ से गिरा फिर रेजिस्टेंस लिया फिर रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ से इसके ऊपर चल रहा है और अब 54, 55 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और फाइनली आज की जो क्लोजिंग है वो है 52 की। तो यहाँ से अगर हमें बड़ी गिरावट देखने को ना मिले और छोटे मोटे रिट्रेसमेंट हमें मिल जाए तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 330 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ये बियरिशनेस दिखा रही है हमें, जैसे कि यहाँ से गिरा फिर यहाँ इसने तोड़ने की कोशिश की फिर गिरावट आई, यहाँ पहुँचा ही नहीं, अब ये अगर यहाँ पहुँचता है और इसके ऊपर एक या दो दिन क्लोजिंग दे देता है हमें, तो हमारे लिए कंफर्मेशन का काम होगा और वो हमें ट्रेड में एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड सेटअप बैठ सकता है और हमारे पैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज फ्री में मिल जाए।